हो चुकी है और भाई ये भीड़ देख रहे हो, मतलब उधर स्टेशन के अंदर जाने वालों की तो लाइन भाई छोटी सी है। लाइन तो क्या खुद इस इधर से बच बचा के चल रहे हैं क्योंकि उधर से बंदे ही इतने ज़्यादा आ रहे हैं भाई। कैमरा साहब तो ये है शिनागावा स्टेशन, इधर बुलेट ट्रेन भी रुकती है शिंकानसेन वगैरह, और भाई मतलब हद से ज़्यादा भीड़ भाई, मतलब लिटरली क्या हो रहा है भाई, ये इतने बंदे कहाँ जा रहे हैं भाई, ये सारे शिनागावा पे भाई ये सब है ना उतर रहे हैं इधर, ठीक है, और जो वापस जा रहे हैं वो इधर से जा रहे हैं, जो सामने तुम्हें दिख रहे हैं बस ये गिनती के दो तीन, और इधर की तो गिनती ख़त्म ही नहीं हो सकती, ठीक है। सो भाई अभी घर पे जा रहे हैं, और भाई घर पे जाके अभी 7:30-8 बजे का टाइम हो गया, वैसे ड्यूटी तो 8 बजे ख़त्म होनी थी लेकिन कुछ काम था नहीं तो वो बोले चलो 7 बजे कि चलो कोई नहीं छुट्टी है, पे मिलेगी 8 बजे के अकॉर्डिंग ऑल तो हैं, तो और नौकरी आज वैसी ही थी, मतलब लगा लो जॉब पे सोए थे लगभग सारे, बैठे थे बैठे बैठे लौट गया कोई, कोई सो गया बैठा बैठा, कोई लौट के सो गया, ठीक है। सो अभी घर पे जा रहे हैं, उसके बाद मैं भाई एक बार फ्रेश हो के नहा धो के फिर जाऊँगा मैं सिटी हॉल, अपना इंश्योरेंस वगैरह यार वो पंगा ही हो रखा है, पता नहीं क्यों करवा दिया था ना मैंने उस दिन जाके, फिर भी अब आया वो भी दोबारा उतना ही सेम अमाउंट आई है, करेंसी एक्सचेंज का सिस्टम भी है इधर। सो भाई चलो घर पर पहुँच जाता हूँ, ये भीड़ तो ख़त्म हो गई, ठीक है हम ही वीडियो रोक देते हैं यार, बाकी सबसे ज़्यादा भीड़ नहीं, मतलब इतने बंदे ज़्यादा आ रहे हैं समस्या बाहर रोक के चल रहे भाई, तो भाई चलो मैं ट्रेन देख लेता हूँ, यहाँ से हमें लेनी है जे ओ, चलो भाई करता हूँ थोड़ी देर, भाई स्कूल की छुट्टी हो गई है और मौसम बारिश का, मतलब सुबह आ रही थी हल्की फुल्की, बहुत ही हल्की फुल्की, बट अभी तो ठीक है, बढ़िया मौसम, मतलब ठंडा का मौसम है, ठीक है। तो अभी घर पहुंच रहे हैं भाई, मिलते हैं आपको घर में पहुंच के, आगे तो कार्टून भी खड़ी है मेरी क्लास की है तो करता हूँ बाद में। तो भाई अभी जा रहा हूँ मैं अपनी जॉब पे, पैदल पैदल बस मिस हो गई इसलिए, ठीक है, तो बीच में यूँ भागता 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 जाऊँ तो ये दो तीन सीन रिकॉर्ड करे, देखो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। भैया शिंकानसेन जैसे लाल लाइट तो खड़ी तो लग रही है मस्त से, कैमरा में इतनी नहीं देखी, ठीक है, मे बी सर्विस होगी आप इनकी। तो गुड मॉर्निंग भाई सभी भाई, वो कैसे हो सारे भाई, स्वागत है, मतलब लोग तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं बट अभी बीच में, मतलब अभी जो चलो छोड़ो जॉब ख़त्म हुई है भाई, अभी 8 बजे के आसपास का टाइम हो गया, वैसे जॉब 8 बजे मेरी ख़त्म होने होती है लेकिन 7 बजे ही छोड़ देते हैं, कल भी आज भी बोला यार कुछ काम तो है नहीं, चल कोई नहीं आज भी जा, ठीक है भाई हम तो राजी हैं, चे तो 2 घंटे पहले छोड़ दे, ऑल दो काम कुछ था ही नहीं भाई पूरी रात, कल तो मैं इनफैक्ट पहुंचा भी लेट था, 10 मिनट के राउंड लेट पहुंचा था, लेकिन एंट्री करनी होती है ना वो बंदा गायब हो गया फिर, तो भाई उसको ढूंढते ढूंढते आधा घंटा लग गया, तो एक तरह से मेरी जो भी कल शुरू हुई थी 12:40 के आसपास और 1:30 बजे के अराउंड सारा काम ख़त्म हो गया, मतलब कुछ था ही नहीं, तो फिर भाई हम बैठे रहे, कोई सो गया कोई अपने लौट गया, कोई कोई फ़ोन चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो अपने 9 बजे में जॉब गई है, ठीक है। फिर तो यहाँ बीच में काम आता रहा थोड़ा थोड़ा, और वो काम 2 मिनट का हुआ है, मतलब 2 मिनट में काम खत्म फिर से, ठीक है। सो मज़े चल रहे हैं, और भाई भीड़ अभी तुम देख ही रहे हो, और अभी ये तो भीड़ अभी शुरू होगी क्योंकि अभी तो मैं स्टेशन से बाहर अभी धीरे धीरे इंटर करूँगा जब देखना तो ये भीड़, बाकी ये हमने सूट वूट पहन के वाइट एंड ब्लैक वाले बंदे चल पड़े हैं सुबह सुबह अपने अपनी नौकरी,
बच्चे चल पड़े हैं सेम ड्रेस पहन के अपने स्कूल की तरह। और भीड़ इतनी ज़्यादा होती है मतलब बाहर आने वालों की कि जो अंदर जा रहे हैं ना उनके लिए जगह ही नहीं है। ठीक है, ये है भाई स्टेशन, ये और श्रीनगावा स्टेशन। ठीक है, और ये एरिया भी थोड़ा मतलब है बिल्डिंग है इधर। ठीक है, सो अब चलते हैं भाई यहाँ से घर की तरफ और फिर मिलते हैं। और भाई मैं सोच रहा हूँ आपको बता देता हूँ सिम कार्ड के बारे में क्योंकि काफ़ी बंदों के पास डाउट है सिम से रिलेटेड ना कि कौन सी लेनी चाहिए, सिम कितने क्या कुछ प्राइस है, कैसे होगा इधर। ठीक है, सिम का क्या कुछ प्राइस है, क्या कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए, कितना डाटा पैक मिलता है। ठीक है, सो उस सब के बारे में आगे कंटिन्यू करते हैं और एक बार मैं घर पहुँच जाता हूँ फिर शांति से दिखाता हूँ आप सबको। ठीक है, और ये भीड़ भाई कल भी देखी थी आज भी मतलब वापस ही ज़्यादा है भाई, पता नहीं इतने बंदे सभी श्रीनगावा में इतने बंदे कहाँ से आ रहे हैं, सारे टोक्यो के उठ के सुबह श्रीनगावा आ गए। एक्चुअली आप कहने अपने श्रीनगावा स्टेशन पर क्या काफ़ी सारी लाइन्स जुड़ती हैं। ठीक है, मेट्रो की तो इसलिए ज़्यादा भीड़ में भी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कैमरा में तो मतलब कोई आइडिया नहीं लगा सकते, बहुत ज़्यादा भीड़ है अदरवाइज। अरे भाई ये किधर ले जा रहे, इधर तो जाना ही नहीं। ठीक है, चलने के लिए जा रहा हूँ भाई, सच में नहीं है काफ़ी सारी भीड़ तो इधर से आ रही है, फिर काफ़ी सारी भीड़ आगे से आ रही है। भाई चलो भाई घर पहुँच के करता हूँ थोड़ी देर में। यो भाई मतलब यह गाड़ी दिखते है ना भाई, फिर मैं एक अलग सी देख रेंगलर है बट अपने इंडिया में तो सारा घूमना भाई रेंगलर घूमन नहीं है, ऑल दो रेंगलर ज़्यादा बढ़िया है। और भाई रोड प्रेजेंस ही अलग है भाई गाड़ी का। तो भाई अभी स्कूल में जा रहा हूँ मैं, स्कूल जाने से पहले एक बार यहाँ से मैं ड्रिंक कुछ ना कुछ लेता हूँ, ज़्यादातर कॉफ़ी लेता हूँ, आज कोका कोला ले लेता हूँ। ये है 106 की 700 ml में, ये कैन लेना तो 500 ml का 107 का, तो वो तो ज़्यादा ठीक है जो मैं वहाँ ढक्कन बंद कर दो वो तो भाई कैन तो खुल गया ना। सो चलो भाई बाहर निकल के करता हूँ। हाँ जी भाई क्या हाल है। सो क्लैरिटी डाउन हो गई क्या, नेक्स्ट में ठीक है बट मैं फेस की तरफ कर रहा हूँ तो ठीक है अभी 0.5 में। सो भाई अभी तो खैर चलता रहेगा, सामने श्रीनगावा स्टेशन ये रहा, बहुत बड़ा। सो भाई अब इसको जो अपना ब्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं, मतलब मैं बता रहा था जैसे कि इस ब्लॉग में बताते हैं भाई कौन सा नेटवर्क प्रोवाइडर जो है वो आप चूज़ करें जापान में आने के बाद, अगर कोई भाई हाल फिलहाल में आया है या फिर आने जल्दी आने वाला है या फिर इन फ्यूचर आना है इसको एज ए स्टूडेंट एज ए जॉब एज ए लॉन्ग टर्म, तो उसके लिए मैं लाइक सजेस्ट कर देता हूँ अब तक के मेरे पर्सनल यूज के लिए कि उस पर मेरे को जैसे अब नेक्स्ट मंथ भाई 1 ईयर हो जाएगा जापान में। ठीक है, और काफ़ी अच्छी चल रही है अब तक की जर्नी, बस अभी थोड़ी बारिश हो रही है और मेरे पास छाता नहीं है तो ये थोड़ी जर्नी बिगड़ रही है अभी, इधर स्लिपरी है भाई, इधर से पकड़ पकड़ के चल लो। ये देखियो बंदा ऐसे दारू पी रहे हैं। तो भाई अब तक की तो लाइक जर्नी बढ़िया चल रही है, आगे देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, खुल जा। सो भाई अगर सिम की जहाँ बात आती है तो भाई उधर जापान में काफ़ी सारे प्रोवाइडर्स हैं भाई सिम के, है कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल भाई AY है, ठीक है, और सॉफ्ट बैंक है, डोकोमो है, रकतन है, और ऐसे करके छोटे छोटे भी बहुत सारे हैं। ठीक है, सो भाई जैसे मैंने पर्सनली तो यूज़ नहीं किया अभी तक सारे, मैंने एक ही यूज़ किया स्टार्टिंग से अब तक। ठीक है, सो लेकिन जैसे काफ़ी सारे बंदे हैं भाई जिनसे मैंने सुना है कि भाई लाइक
मेरा तो इतना नेट मिलता है और इतना रिचार्ज है। सो उस अकॉर्डिंग अगर बात करें तो मैं, जैसे मेरा एक दोस्त है अभी नेपाल का हो भाई, ठीक है, वो अभी तक किसी ब्लॉग में नहीं आया उसको, ठीक है। सो भाई उसने बताया मेरे को कि भाई उसको 20 GB के अराउंड नेट मिलता है भाई, और उसका 5000 के आसपास बिल आता है उसका, ठीक है। और 20 GB तो यार आपको कोई पता है कितनी जल्दी ख़त्म हो जाता है, कोई मतलब नहीं 20 GB का। तो मेरा तो 3-4 दिन में हो जाता है 20 क्या 40-50 GB। सो भाई वो शायद AYP यूज़ करता है शायद, AY ना, और तो वो तो भाई पता चल गया इधर से महंगी है, ठीक है। उसके बाद आती है भाई डोकोमो वगैरह की, AY का एक और है भाई, 3 GB मिलती है आपको 1000 रुपये में। सो फिर भाई ये 3 GB भाई मतलब समझ सकते हो तुम। तो एक मिनट रुको भाई। भाई अभी ये छाता खोल लिया, ठीक है, और तो फ़ोन मुंह की तरफ रोटेट करना थोड़ा मुश्किल होगा, सो ऐसे थोड़ा मारना, समझना, अंडरस्टैंड करना, ठीक है। सो उसके अलावा भाई जैसे मैं अभी बता रहा था 3 GB मिलता है, उसके 1100 का बिल आता है, ठीक है भाई। तो मतलब यहाँ पे जापान में जितने भी प्रोवाइडर्स हैं उनका फिक्स है, प्लान है कि भाई इतने रुपये दो और इतना ये, मतलब स्टार्टिंग में जब आप सिम ले खरीदोगे तो उस टाइम आपको एक प्लान चूज़ करना होगा, ठीक है। सो लेकिन एक कंपनी ऐसी है भाई जो आपको एक ओपन दे देती है भाई, तुम कितना यूज़ करो, जितना तुम यूज़ करोगे उस अकॉर्डिंग तुम्हें बिल मिलेगा, समझ रहे हो भाई। मतलब जितना तुम यूज़ करो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फिक्स नहीं करा है कि भाई 3 GB पे फिक्स कर दिया, 20 पे फिक्स कर दिया, 50 पे, ऐसा कुछ फिक्स नहीं करा उन्होंने, कह दिया भाई तुम यूज़ करना चाहते हो तो ना कर लो, तुम जितना यूज़ करोगे हम उसके अकॉर्डिंग तुम्हें वो दे देंगे बिल, ठीक है। सो भाई एक मिनट रुकना, ये सामने लोशन है, सॉरी ज़्यादा ही जूम हो गया, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ पानी लेने की, सॉरी कॉफ़ी लेने की, फिर लोशन में यार कॉफ़ी इतनी खास मिलती नहीं, तो सोच रहा हूँ क्या लूँ, ट्राई मार लेते हैं, ओके। सो भाई अब जो मैं यूज़ करता हूँ भाई वो अगर आपको बताऊँ तो वो है भाई राकुटेन, ठीक है। राकुटेन एक ऐसी कंपनी है जो भाई आपको एक ओपन दे देती है, खुली आज़ादी दे देती है, कोई फिक्स नहीं करती कि भाई आप 10 GB यूज़ करो, 20 करो, मतलब वो कहते हैं भाई तुम कितना यूज़ कर लो, जितना तुम यूज़ करोगे हम उतना बिल देंगे, ठीक है। और प्राइजेस आर वेरी रिजनेबल, लाइक सीरियसली बहुत बढ़िया प्राइस होते हैं इनके, बहुत चीप प्राइस होते हैं, ठीक है। मतलब मैं तो पर्सनली अगर बताऊँ तो सबसे सही अब तक यही लगा भाई मेरे को तो, ठीक है। सो अब जैसे इसका क्या प्राइस है अगर बात करें तो, अब यार इधर ये बंदे देखने लगे, रुको दो मिनट। तो भाई अभी स्कूल की तरफ जा रहा था और बीच में पता नहीं पुलिस की काफ़ी सारी गाड़ियाँ रखी थी, जूम हो गया था, तो पुलिस की काफ़ी सारी गाड़ियाँ रखी थी और एक टैक्सी वाले को पकड़ के रोक रखा था, और भाई पता नहीं कुछ जो मेटल डिटेक्टर होता है ना उस टाइप का वो भी ले रखा था, पता नहीं क्या सीन चल रहा था, और बाकी चलता रहता है ये सब। तो भाई आवाज़ अच्छे से रिकॉर्ड नहीं होती इसलिए अभी वो वॉइस ओवर कर रहा हूँ, बाकी आगे इन्जॉय करो, थोड़ी अगर आवाज़ की प्रॉब्लम है तो सह लेना, सॉरी। तो भाई जैसे कल मैंने आपको बताया कि राकुटेन इज़ द बेस्ट, अगर आप सिम लेने की सोच रहे हो तो ले लो भाई। इसके प्लान्स क्या है, अगर आप मंथली 3 GB या उससे कम नेट यूज़ करोगे तो आपका 1000 रुपये का बिल आएगा, 1100 समथिंग का। 20 या उससे कम यूज़ करोगे तो आपका 2100-2200 के अराउंड आएगा, और 20 से ऊपर फिर आप 6000 GB यूज़ कर लो फिर आपका बिल आएगा लगभग 3300 यान का, ठीक है। सो मेरे को सबसे बढ़िया ये लगता है, अब काफ़ी यूजेस पे है, और भाई 20 GB भी कंपनियाँ 3-4 हज़ार 5 हज़ार ले रहे थे 20 GB का, तो 3000 के अराउंड तो यहाँ पे अनलिमिटेड मिल रहा है आपको, चाहे आप 1000 GB यूज़ करो, ठीक है। मैं स्टार्टिंग में 200-250 अब तो घर पे वाईफाई है तो ऑब्वियसली कम हो जाता है, अदरवाइज भाई बढ़िया है। स्पीड यूँ है अंडरग्राउंड जैसे मेट्रो में ट्रैवल करो तो काफ़ी जगह स्लो हो जाती है, ठीक है, लेकिन ठीक है यार, एटलीस्ट ज़्यादा वो मिल रहा है, इंटरनेट ज़्यादा मिल रहा है,
कम प्राइस है, पैसे जहाँ बचे वहाँ बचाओ भाई, सही बात, सच्ची बात ही यही है, ठीक है। सो इस और तो भाई क्या ही बताऊँ, बस यही है मेन, रॉक टेन के सुन लो, ठीक है, जस्ट सजेशन है। काफ़ी जगह अंडरग्राउंड के उसमें नेटवर्क रहता है, बस इंटरनेट की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम कहीं पे भी पूरे जापान में। अब जब मैं दिसंबर में नहीं चला था उस टाइम पे, तो मैं गया था ट्रिप पे कोची नाम की एक जगह है, ओसाका से भी बहुत ज़्यादा आगे, ठीक है। सो गाड़ी में गए थे हम उस ट्रिप पे, सो उस ट्रिप में भाई जो मेरे साथ और थे उनके नेटवर्क रास्ते में गायब, मतलब आए नहीं रहे थे, सिर्फ मेरे अकेले के थे जहाँ नेटवर्क चल रहा है, तो रखते हैं अच्छा काम भी कर रहा है, ठीक है। सो जल्दी जल्दी मे भी अंडरग्राउंड भी ठीक कर दे, तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग रखते नहीं लो और मजे काटो भाई, ठीक है। तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि ये व्लॉग 13-14 मिनट के अराउंड का बन गया था पहले, और 17 के आसपास का बन गया होगा शायद। सो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ऑलरेडी कर दिया होगा वैसे आपने, ठीक है, बट अगर नहीं किया हो तो आप कर दो, कोई कमी लगी हो तो उसके लिए सॉरी, आगे इन फ्यूचर मेरे को पता है कुछ कमी रह जाती है, इन फ्यूचर अपने आप करेंगे धीरे धीरे, अभी इतना वो नहीं है, ठीक है, कि भाई अभी अपग्रेड करूँ कुछ मैं, लेकिन इन फ्यूचर ज़रूर करेंगे। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है, बाय बाय।